नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं शिखरवार जी के शोरूम पर जो सुजालपुर में हैं। आज हम बात करेंगे मेसी फर्गुसन के 246 की, जो कि डायनाटेक सीरीज में न्यू लॉन्च हुआ है। इनके सेल्समैन से हम आज जानेंगे क्या क्या खूबियाँ इस ट्रैक्टर को बाकी ट्रैक्टर से अलग बनाती है। किसान भाइयों, मैं विनोद परमार, शिखरवार ट्रैक्टर सुजालपुर से आपके साथ नया लॉन्च हुआ डायनाटेक 46 हमारा, उसके साथ आया हूँ। क्या क्या फीचर आ रहे हैं उसमें, नए फीचर क्या क्या आए हैं उसकी जानकारी देने के लिए आया। सबसे पहले हमारे ट्रैक्टर में डायनाटेक सीरीज आई मेसी फर्गुसन के नाम से, 246 है ये। इसमें आएगा सबसे पहले आपको सिंक्रोमैक्स गेयरबॉक्स मिलेगा, जो सिंक्रोमैक्स गेयरबॉक्स मिलेगा 12 रिवर्स 12 फॉरवर्ड के साथ आपको सिंक्रोमैक्स गेयरबॉक्स मिलेगा इसमें। उसके बाद एडजस्टमेंट धड़ी मिलेगी इसमें आपको, यहाँ पे एडजस्टमेंट धड़ी किसान भाइयों अक्सर लंबाई के लिए आती है, पर इसमें ट्रैक्टर की लंबाई के लिए एडजस्टमेंट धड़ी आएगी, 8 इंच आगे हो जाती है 8 इंच पीछे हो जाती है, इसे एडजस्टमेंट धड़ी कहते हैं। इसके बाद मिलेगा आपको डायनेटिक सीरीज में सेटल गियर बॉक्स, इसमें यहीं से ही आपको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों हो जाएगा, यहीं से 12 आगे लग जाएंगे और यहीं से 12 पीछे लग जाएंगे। ये सिर्फ डायनेटिक सीरीज में हमारी मेसी फर्गुसन के में आ रहा। अब हम देंगे भैया आपको पीछे की जानकारी। पीटीओ इसमें चार तरह की पीटीओ आती है, 540 से लेके 1080 तक, 1800 आरपीएम तक आपको मिलेंगे। इसमें लो पीटीओ मिलेगी, गियर स्पीड पीटीओ मिलेगी, रिवर्स पीटीओ मिलेगी और मीडियम पीटीओ मिलेगी, जो हर उपकरण के लिए अलग अलग आपको चलाने के लिए पीटीओ इसमें मिलेगी आपको। फिर आपको मिलेगा किसान भाई में सिंगल फ्यूज खुलने वाला बोनट लॉक, सिर्फ एक लॉक खोलने से दोनों साइड के लॉक के बाद आपको ट्रैक्टर का बोनट खुल जाएगा। इसमें अंदर के पूरे फीचर में देखो, वाटर कूल्ड ट्रैक्टर दे रखा है, एयर कूल्ड है, इसके साथ ट्रैक्टर कूलन से चलने वाला रहेगा आपको। उसके बाद पावर स्टीयरिंग का अगल से ही आयल दे रखा है किसान भाइयों, इसके कारण इसकी पावर स्टीयरिंग नहीं होती। अक्सर ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक से या इंजन से पावर स्टीयरिंग दे देते हैं, इस चक्कर में आयल कम होना ज़्यादा होना इस चक्कर में पावर स्टीयरिंग फेल हो जाता है। पर हमारे मेसी फर्गुसन डायनाटेक सीरीज में आपको अलग से ही पावर स्टीयरिंग ऑयल दिया हुआ है, जिससे हमारी पावर स्टीयरिंग फेल नहीं होती है। इसके बाद आती है हमारे ट्रैक्टर में मीटा की हाइड्रोलिक मिलेगी भैया, हर उपकरण के लिए अलग अलग सेंसिंग मिलेगी इसमें आपको, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बबलिंग नहीं करेगी ट्रैक्टर। अक्सर किसान भैया जब सीटिंग चलाता है तब बबलिंग करते हैं, इस कारण सोयाबीन या कुछ भी वो नाज रहता है वो सही साठ नहीं उग पाता है। आपको इसमें 3 सेंसिंग मिलेगी आपको, सबसे पहले फर्स्ट सेंसिंग वाल मिलेगा आपको, वो मिलेगा लोटरवेटर के लिए आपको। अगर आपको लोटरवेटर चलाना है तो सबसे ऊपर वाले छेद में आपको चलाना है। उसके बाद आता है दूसरी सेंसिंग, इसमें मिलेगी आपको हाइड्रोलिक में पिलाऊ बखर और सीडिल, इसके लिए आपको दूसरी वाली सेंसिंग आपको इस्तेमाल करनी है, इससे बबलिंग बिल्कुल नहीं होगी और प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं आई। फर्स्ट लास्ट जो सेंसिंग आएगी तीसरी वाली सेंसिंग, वो मिलेगी आपको छोट लिए, जैसे आप सरी बांधते हैं किसान भाई, आलू बोते हैं तब सरी बांधते हैं, प्याज बोते हैं तब सरी बांधते हैं, उस चक्कर के उसके लिए आपको ये सेंसिंग मिलेगी। इसके बाद किसान भाइयों आपको मिलेगा पेलेंटी प्लस, पेलेंटी प्लस का अक्सर किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि क्या रहता है पेलेंटी प्लस। पेलेंटी प्लस सिर्फ हमारे डायनेटिक सीरीज में आ रहा है, आपको इसकी होजिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पेलेंटी प्लस ट्रैक्टर है कि नहीं है। पेलेंटी प्लस का मतलब ये होता है किसान भाइयों कि 3 गियर के बीच में चलने वाला गियर को पेलेंटी प्लस बोलते हैं। अक्सर एक गियर वाला ट्रैक्टर रहता है, उसमें एक्सल टूटने की, स्लिप होने की ये संभावना अक्सर आती है। इस चक्कर में हमें डायनेटिक सीरीज में पेलेंटी दे रखा है, जो 3 गियर के बीच में एक गियर लेकर चलता है, इससे एक्सल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको पहिए में झटके नहीं लगते हैं, इससे आपको खाली पीने में दिक्कत नहीं आती है। इस तरह हमारे ट्रैक्टर डायनाटेक सीरीज में आपको पेलेंटी प्लस में मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों आपको मिलता है और 12x12 का गियर बॉक्स, इसमें आपको हाई लो मीडियम स्पीड आपको मिलेगी, जो कांधे बोनी के लिए अक्सर ये आपको काम आती है। इसमें इधर 4 गियर मिलेंगे आपको, इधर 3 स्पीड मिलेगी और सेटल साफ आपको साथ में रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 55 लीटर की क्षमता वाला डीजल टैंक, इसका जो अक्सर के कारण छोटे टैंक के कारण बार बार डीजल भरने की समस्या खत्म हो गई है, हमारे डायनाटेक सीरीज में 55 लीटर की क्षमता का डीजल टैंक आपको मिलेगा।
दोस्तों इनके पास फुल स्टॉक अवेलेबल है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।